माजी, माजी, कौन हो तुम? मैं भी इसी पिंजरे की एक बुलबुल हूँ माजी। हमेशा आपको दूर से देखता था, पांव छूने का तो कभी मौका नहीं मिला, सोचा दूर से ही दो बातें कर लूं। भगवान तुझे सुखी रखे। क्या नाम है तेरा? नाम तो अल्लाह रखा है माजी, आगे वो सुखी रखता है या नहीं ये तो वो जाने या उसके फरिश्ते। किसे ढूंढ रहा है बेटा? शांता को और किसको? तुमने कहा था माँ इस बार जब भी आओगी उसको लेकर आओगी। चुप क्यों हो माँ, बोलती क्यों नहीं लाई उसे? तुझे क्या मालूम वो कितनी दुखी है, दिन रात तेरे लिए प्रार्थना करती रहती है, तेरी तस्वीर के सामने रोती रहती है, कहती है वो उस दिन तुझे मुंह दिखाएगी जिस दिन मैं तुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगी। सच माँ ऐसा कहती है वो? देखा माँ, देखा कितनी महान है वो। क्या खाक महान है? महान वो नहीं तेरी माँ है, तेरी अकल पर तो पत्थर पड़ा हुआ है। अल्लाह रखा। जानता है अपना नाम अल्लाह रखा क्यों रखा? क्योंकि ऊपर वाले ने अपने सारे रिश्तेदार उठा रखे और मुझे अकेला रखा, इसलिए मैं हुआ अल्लाह रखा। देख आज अपन तेरे से एक बात पूछना चाहता है, सच सच बता तूने खून किया कि नहीं? देख अपने को तेरे से कोई हमदर्दी नहीं, तू कल फांसी पर भी लटक जाएगा तो अपने को कोई परवाह नहीं, लेकिन वो माँ है ना उससे हमदर्दी है। बोल तूने खून किया कि नहीं? मैंने कोई खून नहीं किया। खा कसम। तेरी कसम। अरे मेरी कसम क्यों खाता है, मैं मरूंगा तेरे बाप का क्या जाएगा? अपनी कसम खा अपनी। मेरी कसम, मेरे बीवी बच्चों की कसम। कसम में भी बीवी को ले आया। खैर माना तूने खून नहीं किया, किसी पे शक है? मुझे फंसा गया है, धमकी दी गई है। लेकिन तू फिक्र मत कर भिड़ू, दुनिया में अपना एक ही दोस्त है जेम्स बॉन्ड का बाप, उसको जिसकी जरूरत होती है ना उसको यू ढूंढ निकाले। गाड़ी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। दो घंटे के अंदर अगर वो गाड़ी मुझ तक नहीं पहुंची तो सारे दांत बाहर निकाल दूंगा और चेहरे की वो हालत कर दूंगा कि नकली दांत भी फिट ना हो सके, समझे? तो भाई तुझे फंसता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो आपकी दांत दे रहा था कि आप चोर को कितनी आसानी से पकड़ लेते हैं। क्या है ना, जो चोरी पकड़ नहीं सकता है वो चोरी कर भी नहीं सकता है। और मैं अपने यहां चोरी करने वालों को पहले सजा नहीं देता हूं, वार्निंग देता हूं, जानते हो कैसे? कैसे? ऐसे। मान गए ना? मान गया उस्ताद, मान गया। अब गाड़ी का क्या होगा बेटे? मैं अभी लाता हूं, दो घंटे के अंदर लाऊंगा। बस दो घंटे के अंदर ले आना, दो घंटे के अंदर नहीं आई गाड़ी तो गाड़ी के बदले तेरे सारे स्पेयर पार्ट्स खुलवा कर गटर में फेंकवा दूंगा, समझे? समझा। आज बेटा तो आज मैं आपके पांव पड़ता हूं, उस्ताद मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, प्लीज गाड़ी वापस दे दीजिए ना। अगर हमें गाड़ी वापस करनी होती तो खरीदते क्यों? रहम कीजिए मुझ पर, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। अबे बंदर, मुझे तुझ जैसे चमचों की गुलामी नहीं चाहिए। हाँ अगर तेरा उस्ताद मेरा गुलाम बन जाए तो कोई बात बने, उसे जाके कह दे एक दिन के लिए मेरे कदमों में आके गिर जाए, गाड़ी तो क्या बहुत कुछ दे दूंगा उसे। मैं बेमौत मारा जाऊंगा, तरस खाइए मुझ पे, जिंदगी की भीख मांगता हूं आपसे। गाड़ी वापस नहीं मिलेगी ये मेरा फैसला है। तो सोच लीजिए, मुझे तो वो खत्म कर ही देगा, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। पहाड़ से टकरा रहे हैं आप, पहाड़ से। जाओ जाके उस चक्के से कह दो पहाड़ चाहे जितना भी ऊंचा हो रहता आसमान के नीचे। गेट आउट। वाह साहब वाह, बहुत से खिलाड़ी देखे मगर आप जैसा खिलाड़ी हमारी नजर के सामने से नहीं गुजरा। मेरा ख्याल है इस शहर में दूसरा ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है। है कैसे नहीं जनाब, खिलाड़ी से मुकाबला होगा
दो मुकाबले का खिलाड़ी मिलेगा। आपकी तारीफ? जी अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ करूं ये अच्छा नहीं लगता। फिलहाल मैं तो इनकी तारीफ सुनकर चला आया हूं। क्यों अंकल, हो जाए दो दो हाथ? सोच लो बच्चे, दो दो हाथ खेलने आए हो, कहीं ऐसा ना हो कि मुकाबले के बाद एक हाथ भी बाकी ना रहे। सोच लिया अंकल, अब तो हाथ रहे या बात रहे। What confidence? बहुत खूब अंकल। ऐसा ही है बच्चे, जब हम वार करते हैं तिनकों की तरह बिखेर देते हैं। और जिस पे मैं वार करता हूं दोबारा नजर ही नहीं आता। यहां क्यों आए हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? ये घर मेरे दोस्त का है, मुझे भी इस घर से मोहब्बत हो गई है। अगर मैं इन सब पे तुम्हारी असलियत जाहिर कर दूं तो? फिलहाल तुम अपनी असलियत की चिंता करो, संभालो अपने को। साइड में से दाढ़ी निकल रही है। नोटी नोटी बॉय। शाबाश, गुड शॉट। शुक्रिया। यू वर ग्रेट, आपने बहुत अच्छा खेला। थैंक यू। भाई मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, बाकी शहर के चैंपियन ये नहीं आप हैं। वर्मा साहब, इतनी जल्दी इनके चैंपियन होने का ऐलान मत कीजिए, ये तो पहली बाजी थी, अभी तो कई मुकाबले होंगे इनके साथ, उसके बाद पता चलेगा चैंपियन कौन है। क्या भतीजे, अगले मुकाबले के लिए तैयार हो ना? बिल्कुल तैयार हूँ अंकल। आप जैसे खिलाड़ी से मुकाबला जीतने के लिए एक नहीं बहुत सारी चालें चलनी पड़ेगी। होशियार रहना भतीजे। मैं तो नींद में भी होशियार रहता हूं अंकल। शशि, सुबोध, रामलाल, उपेंद्र, प्रदीप गुप्ता, गौतम, आज सब काम बंद। आज तुम लोगों को मेरी तरफ से छट्टे। आज तुम्हारे गुरु ने जो काम किया है उसको सुनकर तुम लोग उछलने कूदने नाचने गाने लगोगे। साला अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझता था। अरे कहां मर गए सबके सब? अरे क्या हुआ गुरु? बहुत मारा गुरु, बहुत मारा। गौतम कौन है वो? कौन है वो गौतम? कौन है जिसने मेरे अड्डे पे आके मुझे ललकारा है? कौन है जिसने मुझे गाली दी है? कल सुबह का सूरज देखना अगर उसे नसीब हो गया तो मेरा नाम राम नहीं, जल्दी बताओ वरना मैं जान से मार डालूंगा। आइए। अच्छा तो ये सब जलवे आपके किए हैं बड़े भाई? अरे जलवे कहाँ छोटे भाई, ये तो जलवों के कुछ नमूने हैं। मैं तो गाड़ी लेकर कब का चला गया होता, लेकिन फिर ख्याल आया कि तुम नाराज हो जाओगे, कहोगे बिना हिसाब किताब चुकाए चला गया, इसलिए रुक गया मैं। खाम खा तकलीफ की बड़े भाई, गाड़ी लेकर चले जाना था, हिसाब किताब तो मैं आपके घर भी आके चुका लेता। चलो कोई बात नहीं, आपके हिसाब तुम्हारे यहां कर लेते हैं, अगली बार मेरे यहां सही। ठीक है, मगर फैसला किस तरह होगा? फैसला भी हो जाएगा छोटे भाई।
चाहिए आपकी गाड़ी की चाबी। अगर आप जीत गए तो गाड़ी के साथ साथ एक गैराज भी आपका होगा बड़े भाई। ठीक है छोटे भाई, और अगर तुम जीत गए तो इसी गाड़ी का ड्राइवर बनके सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी में गुजार दूंगा। मेरे साथी होकर ऐसी नीच हरकत करते, छोटे भाई भगवान कसम जिंदगी में पहली बार किसी मर्द से टक्कर ली है। किस माँ का दूध पिया है बड़े भाई? तुम्हारी माँ भी किसी शेरनी से कम नहीं लगती यार। तुम जीत गए मैं हार गया। एक बात बताओ यार, इतने बहादुर होकर ये जुर्म का काम क्यों करते हो तुम? यही तो मैं आपसे पूछने वाला था सरकार। मैं मजबूर हूं छोटे भाई, अपने बाप के कातिल को पकड़ने की खातिर खुद गुनाह की जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया गया हूं मैं। और मैं आप जैसे मजबूरों के काम आने के लिए सब कुछ करता हूं, समझे? अगर ऐसा है तो फिर मेरी तुम्हारी दुश्मनी कैसी? फिर देर कहे कि बड़े भाई, आगे बढ़ो, बढ़ाओ हाथ बड़े भाई, और बचा दोस्त, बढ़ाओ। बड़े भाई बोल, वादा करता हूं तुम्हारे बाप के कातिल को ढूंढेंगे तो हम दोनों सुखी रहेंगे, तो हम दोनों दुखी रहेंगे, तो हम दोनों बाहर रहेंगे, तो हम दोनों बड़े भाई अंदर रहेंगे, तो हम नहीं 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 मैं
निकाल ले तो मेरा दम निकाल दो, मैं नहीं जाऊंगा। अरे मुझे फांसी के तख्ते पर लटका दो, आज फैसला हो जाए बेहतर तो। ए, ये क्या शोर मचा रखा है? अरे अरे जेलर साहब, आपको अपनी जेलरी की कसम, मुझे घर से बेघर मत दीजिए। कमाल है, मैंने अपनी जिंदगी में पहला कैदी देखा है जो जेल से छूट रहा है, रो रहा है। रो नहीं तो और क्या करूं, बाहर मैं बिगड़ जाऊंगा, मेरी हर चीज बिगड़ जाएगी। यहाँ पर वक्त पर खाना, वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, वक्त पर नहाना और वक्त पर धोना, और फिर आप जैसे नौकर चाकर बाहर कहाँ मिलेंगे? बाहर तो ऐसी खोली पगड़ी देने पर भी नहीं मिलेगी। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है, जब देखो दुनिया भर का लफड़ा लेकर चला आता है। काय का लफड़ा यार, एक गरीब बुढ़िया की मदद करने को बोल रहा हूँ। अबे मदद करनी है तो 1,500 रुपए ले जा और जाकर दे दे उसे। उसे पैसे नहीं, बेटा चाहिए। अबे तूने क्या समझ रखा है, उसका बेटा मेरी जेब में? जेब में नहीं, जेल में है, और तू ही उसे छुड़ा सकता है। सोन, क्या समझाया तूने मुझे? मैं कोई सरकारी वकील हूँ या कोई जज हूँ, क्या समझाया तूने? अपना यार समझा, और यही मैंने उससे भी कहा कि अगर मैं कहूं तो मेरा यार इंसान को भी कब्र से खोद कर ले आए। देख रामू, वो बुढ़िया बहुत दुखी है, तू एक बार उससे मिलेगा, अगर तुझे तेरी मां याद ना आ जाए तो मेरा नाम अल्लाह रखा नहीं। बोल, करेगा ना ये काम? कोई बात नहीं, मैं भी कितना पागल हूं, अपनी हद से आगे बढ़ने लग जाता हूं। तेरी मेरी जान पहचान को दोस्ती समझ बैठा, माफ करना भाई। ए, क्या बात है रे, अल्लाह रखा की आंखों में आंसू। रामू, उस बुढ़िया के दुख देख के तो अल्लाह की आंख में भी आंसू आ जा, मैं तो सिर्फ अल्लाह रखा हूं। ए, ना है। चल बाय तेरे साथ। सलाम माँ जी। अरे तू? अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह रखा को पहचाना माँ? तू चार दीवारी से कब निकला रे, मेरा प्रकाश कैसा है? इसीलिए तो आया हूँ माँ, ये है मेरा दोस्त राम। ये तो सचमुच का राम है रे, उस दिन चोर मेरे पैसे लेकर भाग रहा था, यही तो उसे वापस लेकर आया। माँ, तुम्हारे बेटे को भी यही वापस लेके आएगा। क्या तू मेरे बेटे को वापस लाएगा? ये सच कह रहा है? मर जाने दो मुझे। तुम कौन होते हो हमदर्दी जताने वाले? वैसे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं होता, मगर जिसे तुम माँ कहते हो, माँ मुझे बेटा कहती है, बस इसी रिश्ते से तुम्हारे पास चला आया हूँ। एक बार उस आदमी का नाम बता दो बस। मुझे किसी का नाम नहीं मालूम। तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ हाँ, जिंदगी भर झूठ बोलता रहूंगा, कभी एक लफ्ज नहीं कहूंगा, नहीं तो वो लोग मेरे बीवी बच्चे को मार डालेंगे। तुम क्या चीज हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? वो तुम्हारे जैसे 50 को चींटी की तरह मसल कर फेंक देगा। किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मुझे चींटी की तरह मसल कर रखते? उन गुंडों को तुम जैसे बुजदिलों ने शेर बना दिया है, और मैंने जिंदगी में कई ऐसे शेरों को गीदड़ बना दिया है। ये तो दुनिया का दस्तूर है भाई, तुम झुकोगे दुनिया तुम्हें झुकाती जाएगी। अगर तुमने सर उठाने की हिम्मत की तो दुनिया अपना सर तुम्हारे कदमों में डाल देगी। एक बार उस आदमी का नाम बता दो, अगर मैंने उसको उसी के अड्डे से नहीं उठा लिया और तुझको इस जेल की चारदीवारी से बाहर नहीं निकाल दिया, तो मेरा नाम राम नहीं। जिंदगी में न जाने क्यों पहली बार तुम पर विश्वास हो रहा है। उसके मोहल्ले का नाम है मदनपुरा, मकान नंबर 216 और नाम है एक कमजोर गरीब बेसहारा आदमी पे हाथ उठाने वाला कमीना तारा शायद तू ही है। हाँ, तेरे को कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ मुझे नहीं, एक माँ को है, जिसके बेकसूर बेटे को तूने अपने जुर्म में फंसाकर उम्र भर के लिए जेल की दीवारों के पीछे बंद करवा रखा है। अबे कौन सी माँ के बेटे की बात कर रहा है? वो माँ जो दिन रात मंदिर की चौखट पर बैठी लोगों की जूतियां इकट्ठी करती है,
वो माँ जिसका नाम गंगा शायद इसीलिए है कि उसकी आंखों से आंसू की नदी हर वक्त बहती रहती है। अच्छा अच्छा वो बुढ़िया। बेटे ने अपने बीवी बच्चों की जिंदगी की परवाह ना करते हुए अपनी जबान खोली दी। हाँ उसने अपनी जुबान तो खोल दी है और अब मैं तेरी जुबान खुलवाने के लिए यहाँ आया हूँ। अबे तेरी तो अकेला ही लड़ेगा या अपनी बुजदली छुपाने के लिए इन भाड़े के खच्चरों का सहारा भी लेगा? बोल। अबे तुझ जैसे दस को अकेला बस है दारा। हाथ उठाने का बहुत शौक है क्या? आ जाओ। छोटे भाई माल गाड़ी में भर दिया। बड़े भाई जाने से पहले ये आखिरी बोरी जो गचक गई उसे भी तो संभाल लो, मैं बहुत थक गया हूं। अरे बस कर मां, तेरा बेटा क्या आने वाला है, तू तो पागल हुए जा रही है। तू इन बातों को क्या समझेगा, जब तू बाप बनेगा ना तब पता चलेगा। अगर मेरे जैसे पागल लोग बाप बनने लगे ना तो ये दुनिया एक अच्छा खासा पागल खाना बन जाएगी। तू तो हमेशा ऐसी ही बात। दादी माँ, राजू तू आ गया बेटा। अरे बहू तू वहाँ क्यों खड़ी है? मेरे पास आ, तू ठीक तो है ना? देखा बेटे आज मेरे बिछड़े सब मिल गए, लगता है भगवान ने मेरा वक्त बदल दिया है। हाँ माँ वक्त तो बदलते देखा है, लेकिन वक्त के साथ साथ आज इंसानों को भी बदलते हुए देख रहा है। जय संतोषी माँ। माँ देखो ले आया तुम्हारे बेटे को। तू आ गया बेटे, देख आज तेरे आने की खुशी में मैंने तेरी पसंद की खीर बनाई है, ले मुंह मीठा कर ले। एक मिनट माँ। शांता, अरे ये क्या कर रहे हो माँ? ये इतनी कीमती चीज है, इसमें तुम्हारी ममता छुपी है, अगर ये जमीन पर गिर गई तो जमीन का कलेजा फट जाएगा। माँ हम खा लेते हैं, माँ हम भी तो तुम्हारे बेटे हैं ना। हाँ जरा ठहर बेटे, ठहर तो। ये ले बेटे तुम्हारा इनाम। ये क्या माँ? इसे तुम अपने बेटे को दे देना, वो कोई इससे धंधा कर लेगा। ए माँ ये क्या कर रहे तुम? बेटा माँ के पांव छुए तो उसे जन्नत मिलती है, लेकिन माँ अगर बेटे के पांव पे हाथ लगाए तो जहन्नुम में उसे जगह नसीब नहीं होगी। तरकीब तकल्लुफ लाख करो, फितरत नहीं छुपती ऐ अकबर, जो मट्टी है वो मट्टी है, जो सोना है वो सोना है। तेरे बेटे का तो लगता है जैसे कोई चमत्कार ही हो गया। हाँ बेटी चमत्कार ही समझो।
एक ऐसा इंसान जो मेरा कुछ भी नहीं लगता, न मेरा अपना खून, न कोई रिश्ता। मेरे बेटे को बचाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, और जानती हो बेटी, वो 10,000 रुपये भी उसने नहीं लिए। कहने लगा, माँ तेरे बेटे को मैंने नहीं, एक माँ के विश्वास ने छुड़ाया है। वंडरफुल मैन, लेकिन ये है कौन? यही पास में उसका मोटर गैरेज है। मोटर गैरेज? हाँ। एक मिनट, उसके होंठ के नीचे कोई निशान है? हाँ, मोटी मोटी आंखें, लंबा सकत, घुंघराले बाल, सांवला सरंग, पति